बेंगलुरु में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात से लगातार चुनौती बढ़ती जा रही है। जहां जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, वहीं राज्य सरकार और विपक्ष के बीच जुबानी जंग भी छिड़ गई है। बेंगलुरु में आने वाले 2 से 3 दिनों में और भारी बारिश की संभावना है, जबकि केरल, कर्नाटक, आंध्र में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह है सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु। देश की आईटी सिटी का सिस्टम बाढ़ बारिश की चपेट में आकर बुरी तरह हिल गया है। 3 दिन से लगातार हो रही बारिश ने हाईटेक सिटी में हाहाकार मचा। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यहाँ की सड़कें नहरों में बदल गई हैं, तो दफ्तर जाने के लिए लोगों को ट्रैक्टरों की मदद से पहुंचना पड़ रहा है। हालात ये है कि 50-50 रुपए देकर ट्रैक्टर ट्रॉलियों में दफ्तर जा रहे हैं। सब खत्म हो चुका है। ऑल द हाउसेस 12 फीट इन आर लेन, सी लेन। कौन सा अपार्टमेंट है वो? एप्सिलॉन विलास। कितने फैमिलीज होंगे उसके? अराउंड 150। तो अब आप लोग मतलब क्या डिसाइड कर रहे हैं? अपनी जान बचा के भाग रहे हैं बस। बेंगलुरु की बदहाली का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्किंग में खड़ी लग्जरी गाड़ियां पानी में समा चुकी हैं, जबकि ऑफिस आने जाने के लिए लोग जेसीबी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। बेंगलुरु ने पिछले 32 सालों में ऐसी तबाही नहीं देखी, लेकिन आज के हालात सिलिकॉन सिटी पर सितम बनकर टूटे हैं। लोगों के घरों के बाहर भी पानी जमा है, जिसकी वजह से वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घर से बाहर निकलने पर लोगों को ट्रैफिक जैम से भी जूझना पड़ रहा है। एक तरफ बेंगलुरु बाढ़ बारिश की मार झेल रहा है, तो वहीं इसी की आड़ में राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कांग्रेस की पिछली सरकारों को इन हालात के लिए जिम्मेदार बताया है। रिजल्ट ऑफ बैड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट। अगर कांग्रेस के कार्यकाल में अतिक्रमण थे तो बीजेपी से साफ करें। उन्हें पहले 5 साल का समय मिला था और उनके पास 5 साल समय है भी, उन्हें कुछ करके दिखाना चाहिए। बेंगलुरु में जो बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है झीलों पर होने वाला अतिक्रमण। आंकड़ों के मुताबिक बेंगलुरु में 204 झीलें हैं। इनमें से करीब 180 की संख्या ऐसी है जिन पर अतिक्रमण का साया है। यही वजह है कि जब भी बारिश आती है तो पानी का बहाव झीलें समेट नहीं पाती। शहर की 164 झीलें लबालब भर गई हैं। ये अपने किचन से ही क्लाउड किचन का कारोबार करते हैं। दिन में 4-5 घंटे ज्यादा काम करते हैं। हर महीने 1.5 से 2 लाख कमा लेते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।